अब भारत के लिए एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पूरी दुनिया में अपना डंका बजा दिया है। इंटरनेशनल एजेंसी गैलप इंटरनेशनल के सर्वे में पीएम मोदी ने दुनिया के नेताओं की लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल किया है। यह पहला मौका है जब किसी भारतीय नेता को इतनी बड़ी रैंक हासिल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2017 में पूरी दुनिया में छाए रहे। उन्होंने इस बार जो रिकॉर्ड बनाया है वो आज तक किसी भारतीय नेता ने नहीं बनाया। पीएम मोदी ने इस सर्वे में जो डंका बजाया है उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पीछे छूट गए हैं। गैलप इंटरनेशनल के सर्वे में पीएम मोदी को दुनिया भर के 30% लोगों ने अपनी पहली पसंद माना है और उनका स्कोर +8 पर पहुंच गया है। इतना स्कोर आज तक किसी भारतीय नेता को नहीं मिला। पीएम मोदी से आगे जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुअल माकोनी हैं। गैलप इंटरनेशनल 1947 से दुनिया भर में सर्वे कर रही है। जिस सर्वे में पीएम मोदी ने ऊंची छलांग लगाई उसमें दुनिया भर से 53,769 लोगों की राय ली गई। इस सर्वे में हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए। सर्वे के मुताबिक भारत में 84% लोगों ने पीएम मोदी को पहली पसंद बताया। अफगानिस्तान में 69% लोगों की पसंद पीएम मोदी हैं। बांग्लादेश में 51%, इराक में 48% और मेक्सिको में 55% लोगों ने पीएम मोदी को अपनी पहली पसंद बताया है। पाकिस्तान में 74% लोगों ने पीएम मोदी के खिलाफ वोट दिया है, जबकि उन्हें पसंद करने वाले पाकिस्तान में केवल 20% लोग हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक 2014 में मोदी एक बड़े वर्ल्ड लीडर बनकर उभरे। यूक्रेन में तो 60% लोग पीएम मोदी को पहली पसंद मानते हैं, जबकि इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका में 40% लोगों की पहली पसंद पीएम मोदी हैं। गैलप इंटरनेशनल की लिस्ट में मोदी का एक दबदबा बता रहा है कि दुनिया भारत और उसके प्रधानमंत्री को कितने सम्मान की नजर से देख रही है।